हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों की क्लास सिक्स की इंग्लिश के चैप्टर फोर में एक पोयम है ब्यूटी, जिसको कि हमने लास्ट वीडियो में रीड किया था। तो आज मैं उस पोयम के क्वेश्चन आंसर पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए बच्चों, फटाफट हम स्टार्ट करते हैं इस पोयम के क्वेश्चन आंसर। तो इसमें देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, द पोइट सेज ब्यूटी इज हियर इन। पोइट ये कहता है कि सुंदरता सुनाई देती है। कैन यू हियर ब्यूटी, क्या आप सुंदरता को सुन सकते हैं। एड अ साउंड दैट यू थिंक इज ब्यूटीफुल टू द साउंड्स द पोइट थिंक्स आर ब्यूटीफुल। तो जिन आवाजों को कवि सुंदर मानता है, क्या आप उनमें कोई आवाज जोड़ सकते हैं। जॉन कीट्स नाम के फेमस कवि ने कहा है, हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर, कि वो जो धुन है जो सुनाई देती हैं वो बहुत मधुर है, पर वो धुनें जो सुनाई नहीं देती हैं वो तो और भी ज्यादा मधुर है। वट डू यू थिंक दिस मीन, इस पंक्ति का आप क्या मतलब समझते हैं। हैव यू एवर हियर्ड अ सॉन्ग इन योर हेड लॉन्ग बिफोर द सॉन्ग वाज संग और प्लेड, क्या आपने किसी गाने के सुनने गुनगुनाने या चलने से पहले उस गाने को अपने दिमाग में कभी सुना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न का हम उत्तर देते हैं, यस ब्यूटी कैन बी हियर्ड एनीवेयर। सुंदरता तो आप कहीं भी सुन सकते हैं। व्हेन वी हियर समथिंग एंचेंटिंग, जब भी हम किसी मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाज को सुनते हैं, इट अट्रैक्ट्स अस टुवार्ड इट, तो ये हमें आकर्षित करती है। वी वॉन्ट टू हियर इट अगेन एंड अगेन, हम इसे बार बार सुनना पसंद करते हैं। इट कैन बी अ मेलोडियस सॉन्ग बाय अ बर्ड, ये किसी पक्षी की का गाया हुआ मधुर गीत हो सकता है। साउंड ऑफ लीव्स, पत्तियों की आवाज हो सकती है या हवाएं हो सकती हैं। कीट्स सेड इन द अबोव लाइन्स दैट मेलोडीज विच वी कैन हियर आर स्वीट बट दोज विच वी कांट हियर आर इवन स्वीटर। जॉन कीट्स ने इन लाइनों में, इन पंक्तियों में कहा है कि वो धुन जिन्हें हम सुन सकते हैं वो मधुर होती हैं, पर वो धुनें जिन्हें हम सुन नहीं सकते हैं वो तो और भी मधुर होती हैं। दिस कैन ओनली बी इमेजिन एंड ब्यूटी लाइज इन द इमेजिनेशन, इनकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं और सुंदरता कल्पना में ही होती है। यस समटाइम अ मेलोडियस सॉन्ग स्टे इन वंस माइंड फॉर लॉन्ग एंड इट कीप्स प्लेइंग इन वंस हेड एज इट हैज टच्ड दैट पर्सन सोल। कई बार एक जो मधुर गीत है वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहता है और ये हमारे सर में, हमारे दिमाग में बार बार बजता रहता है, क्योंकि इसने हमारी आत्मा को छुआ हुआ होता है। रीड द फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंजा ऑफ पोइम अगेन, आप इस कविता का पहला और दूसरा पहरा दोबारा पढ़िए जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नोट द फॉलोइंग फ्रेजेस, अब इन कुछ फ्रेजेस को नोट कीजिए। कॉर्न ग्रोइंग, पीपल वर्किंग और डांसिंग, विंड साइंग, रेन फॉलिंग, ए सिंगर चैंटिंग, दीज कुड बी रिटन एज कॉर्न दैट इज ग्रोइंग, पीपल Who are working or dancing? Can you write the other phrases like this? तो देखिए बच्चों, जब हम पहला और दूसरा पहरा दोबारा से पढ़ेंगे तो हम कुछ फ्रेजेस को देखेंगे, जैसे कि कॉर्न ग्रोइंग,
तो इस पोइट ने क्या किया है, इन फ्रेजेस को छोटा कर दिया है। पूरी फ्रेज तो थी कॉर्न दैट इज ग्रोइंग, अनाज वो जो बढ़ रहा है, तो उसने छोट में लिख दिया कॉर्न ग्रोइंग। तो हमें अब जो कुछ फ्रेजेस ऊपर दी गई हैं, हमें इन फ्रेजेस को पूरा लिखना है। जैसे कि लाइन है विंड साइंग, विंड विच इज साइंग, रेन फॉलिंग, रेन विच इज फॉलिंग, सिंगर चैंटिंग, ए सिंगर हु इज चैंटिंग। तो इस तरह से हमें इन छोटी फ्रेजेस को कंप्लीट करना है। इफ द पोइट यूजेस शॉर्टर फ्रेजेस इन द पोएम टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग, पोइट ने इस कविता में छोटी फ्रेजों का प्रयोग किया ताकि ये बहुत ज्यादा आकर्षित करे और हमारे दिल को छू जाए। पोइट क्रिएटेड ए पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ राइम स्कीम, पोइट ने यहाँ पर राइम स्कीम का एक विशेष तरीका अपनाया है। फाइंड पिक्चर्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स यू हैव सीन और हियर ऑफ, आप उन सुंदर वस्तुओं का के चित्र इकट्ठे कीजिए जिन्हें आपने सुना हो या देखा हो। तो बच्चों इसका आंसर आपको खुद लिखना पड़ेगा, डू इट योरसेल्फ, एज ईच वन ऑफ अस हैज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए सुंदरता अलग अलग होती है। राइट अ पैराग्राफ अबाउट ब्यूटी, सुंदरता के बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। यूज योर ओन आइडियाज अलोंग विद द आइडियाज इन द पोएम, आप कविता में दिए गए विचारों के साथ अपने विचारों को भी प्रयोग कीजिए। यू मे डिस्कस योर आइडियाज विद योर पार्टनर्स, आप अपने विचारों को अपने साथी के साथ भी चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये लाइंस आप लोगों के लिए लिख दी है, ब्यूटी इज इमोर्टल, सुंदरता अमर है, As it remains forever, क्योंकि ये हमेशा रहती है। If it keep on changing with time, यदि ये समय के साथ बदलती रहती है, it can't be called beauty, तब हम इसे ब्यूटी सुंदरता नहीं कह सकते। Beauty keep giving us joy and happiness, सुंदरता हमें खुशियां और जॉय आनंद देती रहती है। सम पीपल फाइंड ब्यूटी ओनली इन फिजिकल अपीयरेंस, कुछ लोगों को सिर्फ शारीरिक सुंदरता दिखाई देती है। विच चेंज विद टाइम्स एंड प्लेस, जो कि समय और स्थान के साथ बदल जाती है। ब्यूटी लाइज विद इन, जबकि सुंदरता मन में है, एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट वाइल गुड लुक्स आर डिसेप्टिव, सुंदर सच्ची सुंदरता हमारे मन में है और वो हमेशा रहती है, जबकि जो बाहर की सुंदरता है, अच्छा जो रूप है, ये हमेशा धोखा देता है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर कंप्लीट किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।